Hey guys, first of all, good morning to everyone. Jai Sri Krishna, Happy Holi. नए लेक्चर में आज हम आपके लिए केवल वही सेंटेंस लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई कई बार आए हुए हैं. तो आज का लेक्चर खासकर +2 से इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए बड़ा ही अमेजिंग रहने वाला है. वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें. आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं सिंटैक्स. कल के वीडियो लेक्चर में आपने सिंटैक्स सीखा था, आज सब सेकंड पार्ट देखते हैं. क्योंकि आज का पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम केवल वही सेंटेंस लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई कई बार आए हुए हैं. तो आज का लेक्चर इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए बड़ा ही सुपर डुपर रहने वाला है. वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से आखिर तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें. बड़ा ही सुपर डुपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है आज का. तो देख लेते हैं पहला सेंटेंस. वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिस तरह सीप है, भेड़, फिश मछली, कैटल पशु और डियर हिरन. शिप, फिश, कैटल, डियर, ये ऐसे नाउन हैं जिनमें कभी भी प्लुरल बनाते समय एस नहीं लगाते हैं. ये इनका सिंगुलर प्लुरल एक ही होता है. जिस तरह आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, आई सा ए शिप इन द फील्ड, मैंने मैदान में एक भेड़ देखी. या आई सा टू शिप इन द फील्ड, मैंने मैदान में दो भेड़ देखी. मतलब इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसका सिंगुलर प्लुरल एक होता है. आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन, क्योंकि मेन पार्ट आज के वीडियो लेक्चर का बड़ा अच्छा पार्ट है. शीप, फिश, कैटल, डियर, इनमें प्लुरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय एस नहीं लगाते हैं. इनका सिंगुलर प्लुरल एक ही होता है, एक समान होता है. देख लेते हैं पहले सेंटेंस से, क्योंकि बड़े ही सेलेक्टेड सेंटेंस रखे आज हमने जो बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आए हैं. ऐसे सेंटेंस लेकर आए आपके लिए. द न्यूज आर ट्रू, समाचार सत्य है. क्योंकि न्यूज शब्द जो है वो सिंगुलर नंबर है, न्यूज सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें आर गलत है, आर के स्थान पर इत रखेंगे. द न्यूज इज ट्रू, समाचार सत्य है. क्योंकि न्यूज शब्द जो है वो सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए द न्यूज इज ट्रू इज द करेक्ट सेंटेंस. 10 sheep are grazing in the field. I have told you just now, sheep, fish, cattle, deer. इनके प्लुरल बनाते समय कभी भी एस नहीं लगाते हैं. तो क्या करेंगे, 10 sheep are grazing in the field. मैदान में 10 भेड़े चर रही हैं. तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, एस को हटा देंगे. नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बार बार आने वाला, बोर्ड एग्जाम में अनेक बार आया हुआ सेंटेंस, सबसे सुपर डुपर सेंटेंस. वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. तो आपको जो है आपने सुना होगा पजेसिव केस. पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव होता है और पजेसिव प्रोनाउन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपने की अंग्रेजी. जिस तरह आई के साथ माई माइन, वी के साथ अवर अवर्स, यू के साथ योर योर्स, दे के साथ देयर देयर्स, ही के साथ हिज, शी के साथ हर हर्स और इट के साथ इट्स, इसी तरह होता है वन के साथ वंस. तो इसमें मिस्टेक क्या है, वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, सभी को अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. वन, तो इसमें वन के साथ हिज नहीं आएगा, वन के साथ वंस आएगा. वन का पजेसिव केस जो है वो वंस है, तो इसमें मिस्टेक क्या है, हिज के स्थान पर वंस आएगा. हिज जो है वो पजेसिव केस है हिज का, ही का, लेकिन वन जो है, वंस जो है पजेसिव केस है वन का. तो इसमें मिस्टेक क्या है, इसके स्थान पर वंश का प्रयोग करेंगे. दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, ये एडजेक्टिव की बात है, एडजेक्टिव डिग्री की बात है. दो के लिए कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं. तो इसमें क्या है, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, यह दोनों में सबसे अच्छा है. तो बेस्ट गलत है, बेटर का प्रयोग करेंगे या कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो के लिए
बट कंपैरिजन के लिए जब दो वस्तु में कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, गुड बेटर बेस्ट। तो गुड की कंपैरेटिव जो है वो बेटर है क्योंकि यहां दो वस्तुओं की बात की है, इसलिए करेक्ट वाक्य क्या है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज इल सिंस संडे, ये टेंस की बात है, सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आता है। तो इसमें क्या करेंगे, ही हैज बीन इल सिंस संडे, क्योंकि सिंस आया है, सिंस जो है पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए आता है, निश्चित समय के लिए आता है, और सिंस फॉर इनका प्रयोग जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, क्योंकि सिंस जो है वो निश्चित समय की ओर इशारा करता है। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, ही हैज बीन इल सिंस संडे। अब ये करेक्ट वाक्य है। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका करेक्ट करना है, इसे आई सा टू डियर्स, इसमें मिस्टेक बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम की किसी भी जानकारी के लिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के लिए, और सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, ग्रामर, डीप ग्रामर और स्पोकन ग्रुप डिस्कशन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक गाइड को, अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा मिल सके। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए हैप्पी होली।